Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, because whenever we upload new video you would get notification on your phone. You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas. So guys, summer के season में बहुत dehydration होता है. So artificial कुछ पीने से अच्छा कुछ naturally पीना चाहिए, जैसे कि mango juice and all. So अभी हम लोग coconut juice पी रहे हैं. So that मतलब healthy भी रहता है वो, और जो dehydration हो रहा है वो कम करेगा. So that's why healthy और यही कुछ ऐसा summer season में हम लोगों ने पीना चाहिए. I hear them all those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Actually guys, मुझे जैसे चाहिए वैसे कुछ वन पीस पार्टी में मिल नहीं रहा है. बहुत सारे मैंने शॉपिंग में बहुत कुछ मतलब वेयर करके देखा, बट कुछ पसंद नहीं आ रहा है और पापा को भी पसंद नहीं आ रहा है. सो दैट्स व्हाई मैंने ऐसे डेली यूज करने के लिए टॉप्स वगैरह लिए. तो अभी हम लोग घूम ही रहे हैं बड़े बड़े शॉप में. एक्चुअली क्या है कि मुझे फटाफट से देखना पड़ रहा है ना, बिकॉज टाइम भी बहुत कम है, दैट्स व्हाई ब्लॉग करने को मिल नहीं रहा है. बट जैसे जैसे पॉसिबल होगा मैं आपको सब कुछ दिखाने के लिए जरूर ट्राई करूँगी. तो अभी कुछ 1:30 हो गए हैं, तो दैट्स व्हाई अभी हम लोग कुछ खाने के लिए और पीने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं. तो दैट्स व्हाई अभी हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर से हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे. It's the sound of soul in me. So guys, अभी हम लोग यहाँ पे घूमते रहे, एक्चुअली खाना भी है. तो कुछ अभी हम लोग खाएंगे लाइक सैंडविच वगैरह, मीन्स हल्का ही खाएंगे, कुछ ज़्यादा हेवी वगैरह नहीं खाने वाले. आप भी पी लो. So guys, मैंने और एक ले लिया है जूस. अभी मैंने मैंगो का लिया, पहले तो मैंने और पाइनएप्पल का जो कॉम्बिनेशन वाला रहता है वो लिया था. तो अभी सैंडविच का इसके लिए और भी बेस्ट लगी, सो दैट्स व्हाई मैंने और एक अभी मैंगो जूस लिया है. तो अभी मैं पीती हूँ, आप भी पी लो. Not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. बहुत घूमे तो कुछ मुझे
चाहिए वैसा मिल ही नहीं रहा था, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, मतलब क्योंकि इतने पैसे खर्च करोगी और चाहिए वैसा मिला नहीं तो मतलब सब पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना, तो दैट्स वाई मुझे कैसे जैसे चाहिए था, मतलब पैसे वसूल हो, चाहिए कितने भी पैसे लगे, कितने कितना भी मतलब वो प्रीशियस हो, सो दैट्स वाई, लेकिन पैसे ना मतलब मुझे सेटिस्फाई होना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए और पैसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई हम लोग एक शॉप में गए तो उन्होंने बहुत सारे ड्रेसेस निकाल के दिखाए, लेकिन मतलब इतना भी अच्छा नहीं लगा। सो उन्होंने ना एक शॉप सजेस्ट किया, उस शॉप का नाम था सेलिब्रेशन, तो उन्होंने बोला कि अभी अभी न्यू शॉप ओपन हुआ है, उनको मैं कॉल करके बताता हूँ, आप मैं आपको लोकेशन देता हूँ, आप वहाँ पर जाओ और विजिट करो। तो हम लोग गए ऐसे, मुझे लगा नहीं था कि इतना हो सकता है अच्छा, लेकिन मैं जैसे गई वहाँ पर और मैंने बाहर जो लगाए थे, मतलब जो स्टैचू पे लगाते हैं ना ड्रेसेस, वो मैंने देखे, मैं पागल हो गई। मैंने मतलब पापा को बोला मुझे लगता है मुझे जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो हम लोग अंदर गए और उन्होंने इतने सारे ड्रेसेस वन पीसेस वगैरह निकाल के दिखाए। आई वॉज लाइक मतलब मुझे जैसे चाहिए थे वैसे सब के सब थे, मुझे बहुत मीन्स बहुत अच्छे लग रहा, मैं पागल ही हो गई देख के। सो और मैं बहुत कन्फ्यूज हो गई थी, सो मैंने एक एक ट्राई करके वगैरह देखे, सो बहुत सारे मुझे वैसे अच्छे लगे और जैसी क्वालिटी थी वैसे उसके प्राइस भी बहुत ही बहुत थे। तो पापा मुझ पर गुस्सा हो गए कि इतना मतलब महंगा क्यों ले रही है। मैंने पापा को बोला नहीं पापा मैं दे दूँगी पैसे, पर मुझे चाहिए क्योंकि 18 बर्थडे तो पहली बार ही आता ना, और बाकी सब बहुत कुछ बातें हैं वो आपको मैं बाकी जो ख़तरनाक ब्लॉग्स आने वाले हैं उसमें ज़रूर बताऊँगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई मैंने फाइनली मुझे जैसे चाहिए था वैसे मुझे मिल ही गया, एग्जैक्टली वैसे नहीं बट उसके रिलेटेड वैसे मिल गया। सो दैट्स व्हाई मैं अभी बहुत सेटिस्फाई हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ मेकअप का सामान लेना है और हील्स वगैरह भी लेना है, सो देखते हैं अभी लेते हैं या बाद में, लेकिन मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। ह्यांचं बरं ना कधी पण मन झालं तर लगेच देऊ शकतात करून दिवाळीवर। अब तो काफी बार पीते होंगे ना दिन में। ये खेल नहीं दो दो से लोग पीले ही नहीं करते देख देख के बोल। हां अभी पॉसिबल नहीं, इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बुआ को भी जाना है, वो गोसर में रहते हैं ना रेड्स वाइट, तो शायद मैं बाद में अकेले आ सकती हूँ, विरार या आई मीन विरार ही आऊँगी। हील्स और कुछ मेकअप का सामान और डेकोरेशन का वगैरह भी बहुत कुछ लेना है, तो रेस्ट में शायद अकेले आऊँगी और तब भी मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, आपको सब कुछ दिखाऊँगी, तब तो अकेले रहूँगी भी तो सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखा सकती हूँ। तो अभी हम लोग ट्रेन का वेट करें, 4:30 बजे की जो ट्रेन आती है, आई मीन विरार को 4:30 बजे आती है चर्चगेट से, तो वो अभी हम लोग वसई से ट्रेन पकड़ रहे हैं और डायरेक्ट मतलब हम लोग जाएंगे सफारी उतरेंगे और हुआ ना वो घर से उतरेंगे। गाइस अभी हम लोग सफारी पहुँच गए हैं, बहुत मिस बहुत गंदे वाली भीड़ थी इस ट्रेन में भाई साहब, मैं गिरते गिरते बच गई, ऐसे धक्का मार रहे थे पीछे से मतलब उतरने के लिए, अरे भाई ट्रेन रुकने वाली है, कुछ समझ में नहीं आता यार इन लोगों को, ऐसे धक्का मार रहे थे ना, ऐसे धक्का मार रहे थे जोर जोर से, मतलब पकड़ने भी नहीं दे रहे थे यार, सच में बहुत बची मैं गिरते गिरते, अदरवाइज आज तो पक्का गिर जाती मैं, और बर्थडे के दिन ही आज सीरियसली जाने तो लेकिन भी। सो गाइस अभी हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और देखो बालों की वगैरह भी पूरी हालत हो गई है और पूरा शरीर में पसीना से हो गया है। सो मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है, क्या क्या लिया है, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्रेन में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, उसके वजह से खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो आप बैग की हालत देख सकते हो क्या हो गई है। ऑल्सो अगर आपको भी सेलिब्रेशन शॉप को विजिट देनी हो और शॉपिंग करनी हो तो आप बैग पर लिखा हुआ एड्रेस नोट डाउन कर सकते हो और शॉप को विजिट कर सकते हो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मैं घर पर पहुंचने के बाद आप लोगों को मैंने क्या क्या शॉपिंग की वो दिखाऊंगी। सो गाइस, ये जो ब्लैक वाला वन पीस है वो मैंने सेलिब्रेशन शॉप से परचेस किया है। इसका मटेरियल वेलवेट है। ऑल्सो ये ड्रेस मुझे सबसे ज़्यादा महंगा पड़ा, लेकिन मुझे इसी पैटर्न में चाहिए था, तो इतने शॉप्स घूमने के बाद मुझे ये सेलिब्रेशन में मिला। इस ड्रेस का बैक साइड का पैटर्न कुछ इस तरह का है। सो सेकंड, मैंने जंपसूट परचेस किया है, ये भी मैंने सेलिब्रेशन से ही परचेस किया है। इसका जो फ्लोरल डिजाइन है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep falling. उसके बाद ये मैंने स्लीवलेस टॉप लिया एक शॉप से। एक्चुअली मुझे उस शॉप का नाम याद नहीं है। After that मैंने ये टाइडल टी शर्ट लिया, ये भी मैंने सेलिब्रेशन से ही परचेस किया है। उसके बाद मैंने एक और स्लीवलेस टॉप लिया। हॉनेस्टली आई रियली डोंट नो इस टॉप का नाम क्या है। इफ़ किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो ये टॉप भी मैंने सिमिलर शॉप से लिया, जहाँ से मैंने पीच कलर का स्लीवलेस टॉप लिया। सो दैट्स इट, मैंने इतनी ही शॉपिंग की बर्थडे के लिए, लेकिन इतनी ही शॉपिंग मुझे ज़्यादा ही महंगी पड़ी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू डू लाइक, कमेंट बिलो इन माय कमेंट सेक्शन, शेयर एज मच एज यू कैन एंड मेक दिस सब्सक्राइब बटन ग्रे एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। मैंने की है मेहनत। तो मैंने एक ट्राई करके हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो पापा मुझ पर गुस्सा हो गए क्योंकि इतना तो पापा। सो दैट्स व्हाई अभी मैं बहुत ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हम लोग डायरेक्ट सफारी उतरेंगे। कुछ भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।